सब्सक्राइब करें प्रॉब्लम सॉल्व चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। जी हां फ्रेंड्स, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि ये कोई टेक वीडियो नहीं है। दोस्तों यहां पर आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपने क्या करना है, हेल्प करनी है एक हमारे टेक भाई की। क्योंकि यहां पर देखिए, अगर आज ये केस इनके साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में किसी के साथ भी ऐसा फेक हो सकता है। तो यार देखो, मैं हमेशा ना यही बात कहता हूँ कि भैया कि अगर ये चीज़ किसी के साथ हो रहा है तो डेफिनेटली अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि ये केस आपके साथ भी बन सकता है। और अगर आप हेल्प नहीं करो तो जाहिर सी बात है फिर कौन हेल्प करेगा यार। क्योंकि अगर एक बात बताए, अगर हम सब यूट्यूब के ऊपर अगर हम कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे तो जाहिर सी बात है यार कोई ना कोई हो सकता है कभी ना कभी किसी पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक या किसी भी तरीके से स्ट्राइक दे सकता है। राइट, जैसे कि अभी टेक्निकल इसरार भाई के जो है 2 स्ट्राइक आ चुके हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प की जरूरत है। और यार ये जो स्ट्राइक है अभी इसको देखिए, अगर यहाँ पर अभी केस बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो, बहुत सारे लोग, मैंने अभी उनका जो है इंस्टाग्राम के मैंने उनके स्टेटस को भी देखा यार, बहुत सारे लोग मतलब यार लाइव अगर कोई बंदा ये बात कह रहा है कि यार कि ठीक है मेरे को स्ट्राइक मिला है एक्स वाई जेड, मेरे चैनल के साथ ये इशू आ रहा है, लोग यार मजाक कर रहे हैं, लोग यार हंस रहे हैं वहाँ पे, मतलब लोग ऐसे इमोजीज भेज रहे हैं, भाई क्यों यार। देखो अगर YouTube के ऊपर ना कोई इंसान किसी की हेल्प, देखो पहली बात तो यार मैं ये जानता हूँ कि यार आज के वक्त में ना कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये। और यार दूसरा, कोई अगर इंसान अगर मदद कर रहा है, अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो यार आप उसका सपोर्ट कीजिए ना यार, ऐसा ना कि आप उसको मजाक उड़ाए। भाई उस टेक्निकल स्टार भाई ने कितनी हेल्प की है लोगों की, कितनी मदद करते हैं और यार कितनी अच्छी चीज़ें हैं यार। एक बात बताइए, अगर वो पर्सन अपनी सारी मेहनत, अपने सारे एफर्ट लगा के आप लोगों की या जो भी बिगनर्स यूट्यूबर्स हैं एक्स वाई जेड कितने सारे प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट यार वो इंसान करता है, लाइक एडसेंस हो गया या आपके चैनल को मोनेटाइजेशन हो गया, एक्स वाई जेड आपके चैनल की रिगार्डिंग हो गया, कुछ भी इस तरीके से बहुत सारे इशूज़ हैं जो वो प्रॉब्लम का उसका शॉर्ट आउट करते हैं। और यार वो इंडिया के ही नहीं यार बाहर के लोगों को भी इतने सारे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं यार। एक बात बताइए, ऐसे इंसान की यार मदद करने के बजाय आप लोग यार उसके ऊपर ऐसे मजाक एनएक्स वाई जेड ऐसे सारी चीज़ें कर रहे हैं। भाई कोई भी प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया इस बात को समझें। और यार प्लीज़ मुझे को उस इंसान से भी भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जिनने भी भाई अगर टेक्निकल इसरार भाई को जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दिया हुआ है, भाई देखो अगर आपको यूट्यूब पे आना है यार, जो कोई भी टैलेंट है यार, देखो किसी से आपस की कोई अगर नाराजगी है, देखिए वो बात एक अलग होता है यार, उसका आप सोल्यूशन किसी और तरीके से करो ना, अदरवाइज देखो किसी को नुकसान पहुंचा के क्या फ़ायदा है। अगर एक बात ध्यान रखिए, अगर आज आप यहाँ पे उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं ना तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में यार आपके साथ नुकसान होगा, ये सीधी सी बात है यार, ये है, आप इस बात को समझें। चाहे कुछ भी हो, अगर आज आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं तो आने वाले टाइम पे आपके साथ भी दुख होगा यार। 4 पल की खुशी के लिए आप किसी की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हैं भाई। तो यार ऐसा मत करें भाई, अगर जो कोई भी अगर यार आप लोगों में से अगर कोई भी हो, भाई मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन जिसने भी ये स्ट्राइक दिया हुआ है तो भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार उस स्ट्राइक को हटा लो यार। क्योंकि किसी बंदे ने अपने चैनल को यार इतने टाइम से उसको मैनेज किया, इतने एफर्ट लगाते, इतने मेहनत करता है, तब जाके वो इतने सब्सक्राइबर एंड एक्स वाई जेड पूरी एफर्ट लगा के इतनी चीज़ें गेन करता है। और यार आपको यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि भैया अगर आपको चैनल अगर यूट्यूब के ऊपर मेहनत करनी है तो यार करके देखिए ना यार, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो खासियत, वो चीज़ लेकर आइए ना यार यहाँ पर। किसी को इस तरीके से किसी के साथ करके क्या फ़ायदा है यार। एक बात बताइए, उस बंदे की अपनी काबिलियत है, उस काबिलियत को आप नहीं छीन सकते भाई। एक बात मानिए, अगर आपने उसके चैनल को अगर बंद भी करवा दिया यार, उसको इतने सारे लोग जानते हैं भैया, वो ऑटोमेटिक दूसरे चैनल से वो खड़ा हो जाएगा सामने। लेकिन एक बात समझिए कि वहाँ पे जो आपने उसके साथ गलत किया तो 100% आपके साथ भी गलत होगा। और यार और बाकी जो सब्सक्राइबर, बाकी जो व्यूअर्स हैं यार, एक बात बताऊँ कि भाई अगर आपको यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता, अगर सारे प्रोसेस नहीं पता, प्लीज़ मजाक मत उड़ाइए ऐसे यार। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मत रिप्लाई करो यार। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख देख के क्या फ़ायदा यार। राइट, आपको साथ में खड़े होने के बजाय जो है मजाक उड़ा रहे हैं लोगों, मतलब ऐसे क्यों भाई, मतलब क्या गलत किया उस इंसान ने यार, लोगों की हेल्प ही तो की है यार। मदद करने वाले इंसान को क्यों भाई ऐसा, मतलब क्यों भाई, वही बात है, जले पे नमक छिड़कने वाली बात है यार। यहाँ पे उनकी मदद कीजिए, तो उनको हेल्प की ज़रूरत है। और हमारी कोशिश यहाँ पर भाई, आप चाहे आपके 10 सब्सक्राइबर हो यार, 100 सब्सक्राइबर हो, 50 सब्सक्राइबर, भाई प्लीज़ आप इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएं कि भाई हेल्प टेक्निकल इसरार
ठीक है। इस तरीके से आप हैज़ हेल्प टेक्निकल इस्तेमाल करके आप एक टैगलाइन यूज़ करें और इसको आप ट्विटर पे एन एक्स वाई जेड अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं भी अपने जो है इस तरीके से पोस्ट करें और यूट्यूब की टीम को भी ज़रूर वहाँ पे टैग करें ताकि उन तक ये बात पहुँचे और उनको भी यार यहाँ पे किसी तरीके से टेक्निकल इस्तेमाल का चैनल भाई का जो है ये सारी चीज़ें मतलब उनके हेल्प हो सके। यार सीधी सी बात है, हमारा मकसद है उनकी हेल्प करना क्योंकि वो भाई बहुत अच्छे हैं यार, इस तरीके से वो लोगों की हेल्प करते हैं। और यार इस चैनल पर मैंने यहाँ पर डियर इसका चैनल का मैंने मोनेटाइजेशन मैंने यहाँ पे ऑफ कर रखा है। इस वीडियो को आप रिकंटेंट यूज कर सकते हैं, अपने चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं बनाना अगर नहीं आप एग्जैक्टली इस तरीके से सारी चीज़ें नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, अपने चैनल पर अपलोड कीजिए, है सेम टाइटल सेम टैगलाइन सब कुछ इस्तेमाल करके आज को पोस्ट कीजिए, ट्विटर पे पोस्ट कीजिए, एक्स वाई जेड सारी जगह पे आप टैग कीजिए यूट्यूब टीम को ताकि यहाँ पे टेक्निकल स्टार भाई की हेल्प हो सके। बस यार यही एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे निवेदन है भैया। और प्लीज़ यार एक और बात कि बिना सोचे समझे जाने आप ऐसे किसी का मजाक मत उड़ाओ यार, नहीं पता तो चुप हो जाओ यार, कोई बात नहीं मत बोलिए। अगर पता है तो अच्छी बात है यार, फिर तो आप बोल सकते हैं उसके बारे में, अदरवाइज नहीं पता कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं टेक्निकल इसरार भाई झूठ बोल रहे हैं, झूठ यार एक बात हो, किसी को अपनी बेइज्जती करके किसी को अपना मजाक उड़ा के क्या मिलेगा, कोई बेनिफिट है, कोई फ़ायदा नहीं यार। वो बंदा इंजीनियर है यार, तो आप इस बात को समझिए भाई कि जो बंदा इंजीनियरिंग करता है उसको यार कितना सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, राइट। तो यार इन बातों को आप समझिए और यार इस वीडियो को आप इस्तेमाल कीजिए, अपने चैनल पे डाल सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे जो है रीयूज़ के लिए भी मैंने यहाँ पे अवेलेबल कर रखा, तो प्लीज़ इसको आप इस तरीके से या अपने चैनल पे आप छोटी सी वीडियोस बना के हैज़ टेक्निकल हेल्प टेक्निकल इस्तेमाल करके आप यहाँ पे टैगलाइन यूज़ कीजिए, अपने टाइटल को भी यही यूज़ कीजिए, तो इस तरीके से वहाँ पे किसी भी तरीके से मदद मिल सके। बस फ्रेंड यहाँ पर कोशिश कीजिए यार कि कैसे भी करके आप मेरी मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनके यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक जो है हट जाए ताकि यार वो भाई जो है दोबारा अगेन काम कर सके। और यार मेरे साथ भी ऑलरेडी ये चीज़ हो चुका है तो मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता हूँ कि कितना दिक्कत वाला चीज़ होता है ये स्ट्राइक, राइट। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि अपनी जो है एक वीडियो बनाइए और यहाँ पे हैज़ हेल्प टेक्निकल इस्तेमाल करके टाइटल में यूज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में यूज़ कीजिए, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कीजिए। बस फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक फ्रेंड जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।